का सामना जब अफगानिस्तान के साथ हुआ यहाँ पर सातवीं बार T20 आई में, जिसमें पहले ही UAE काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था अफगानिस्तान से, तो इस मैच में भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का डोमिनेंस जो है वो नजर आया। जी हाँ, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि अनबैलेंस जरूर यहाँ पर हुई अफगानिस्तान, लेकिन एट द एंड यहाँ पर कंफर्टेबल विन जो है लास्ट में अफगानिस्तान को देखने को मिली। लेकिन दो वक्त कम से कम ऐसे थे जहां पर UAE ने इस मैच गेम में जो है अपनी पकड़ बना के रखी हुई थी, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान जैसी वापसी की है वो डेफिनेटली काबिले तारीफ वहां पर जरूर हो जाती है। सबसे पहले यहां अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और UAE से कहा कि आप आकर बैटिंग करें अपने होम ग्राउंड पे, होम एडवांटेज में। तो UAE जब बैटिंग करने के लिए आया है तो फेस बाय फेस का हाल सबसे पहले वो जान लेते हैं वो किस तरीके का रहा। बिल्कुल, और सबसे पहले अगर बात करें 1 से 10 ओवर की तो यहां पर 58 रन टीम ने बनाए, 58 रन और 1 विकेट का नुकसान टीम को हुआ। अच्छी शुरुआत दिलाई, उसके बाद 1 विकेट यहाँ जरूर गया उसके, लेकिन उसके बावजूद भी 58 रन बने, 60 बॉलों में कम जरूर रह गए। लेकिन दूसरे फेस में यहाँ 84 रन टीम ने बनाए, रिकवर करने की कोशिश की और 4 विकेट यहाँ टीम ने गंवा दिए और टीम जो है वो सिर्फ 142 तक पहुँच पाई 5 विकेट के नुकसान। बिल्कुल, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि आपके आप दो चीज़ें चाहेंगे अपने फर्स्ट फेस में 1 से 10 ओवर के बीच में, या तो भले आपके 3-4 विकेट या अगर 2-3 विकेट गिर भी गए हो तो कम से कम आपका स्कोर 80 के इससे ऊपर चला गया हो या 75-80 के ऊपर चला गया हो, 7-8 का तो रन रेट कम से कम हो ताकि आप बाद में फिर और अगर आप उस रेट को भी कैरी करें तो कम से कम 160 के ऊपर पहुंच जाएंगे लास्ट तक। लेकिन UAE के लिए यहाँ दिक्कत हुई कि उनके 9 विकेट बचे रहे फर्स्ट हाफ तक, लेकिन रन भी आपने सिर्फ 5.8 के रेट से बनाए। तो अगर आपके पास 9 विकेट बचे थे तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट 11 से 20 का सेक्शन है वहां पर जो आपको रन रेट है वो लास्ट तक जाते जाते कम से कम 9.5 या 10 या उससे ऊपर तक पहुंच जाना चाहिए था, जो UAE का देखने को नहीं मिला। तो UAE की बैटिंग की अगर हम बात करें, वो जो एक स्पीड पकड़ने वाली बात होती है वो ना फर्स्ट फेस में पकड़ पाई, ना वो सेकंड फेस में पकड़ पाई, ना वो फर्स्ट पावर प्ले में पकड़ पाई 1 से 6 ओवर के बीच में, ना वो 16 से 20 ओवर के डेथ ओवर में पकड़ने में कामयाब रहे। और यहाँ पर कहना होगा कि ओपनिंग जो है 23 रन के अंदर गिर गई, उसके बाद एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर हुई थी मोहम्मद वसीम और रिजवान के बीच में, 98 पे करीब करीब भी UAE एक ही विकेट था, लेकिन दिक्कत इस पार्टनरशिप में ये थी कि बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स यहाँ पर उन दोनों ने मिलकर खेल दी थी। वसीम और रिजवान की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। बिल्कुल सही कहा आपने, आप स्ट्राइक रेट अगर देखेंगे 117 का स्ट्राइक रेट है रिजवान का और 94 का है मोहम्मद वसीम का, तो ये स्ट्राइक रेट से इतने ऊपर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रन कर रहे हैं तो मुश्किल ले, फिर यहां पर अच्छी तरह फिनिश कर पाना इस एक इनिंग को। लेकिन अच्छा जा रहे थे दोनों, बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन फिर मोहम्मद वसीम भी सीधे प्लम्ब हो गए, उसके बाद रिजवान ने कुछ कोशिश की यहां, फिर वासिल हमीद आए वो भी लगातार बॉलों में आउट हुए, बैक टू बैक वहां पर विकेट मिला वासिल हमीद, डबल माफ कीजिएगा गोल्डन डक पर आउट हुए। लेकिन रिजवान ने एक छोर संभाल के जरूर रखा वरना शायद और जल्दी हमें यहां पेविलियन पे जाते हुए दिखते UAE के बल्लेबाज, लेकिन जो स्ट्राइक रेट एक बढ़ाना चाहिए था, जो स्कोर एक देना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं देने में कामयाब रह पाए। अगर हम UAE के बैट्समैन की बात करें वो भी 142 थैंक्स टू अयान खान और रोहन मुस्तफ़ा, जो कि 30 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच में यहाँ पर, और उसके अलावा वरना तो ये स्कोर बहुत कम रह जाता। इन्होंने थोड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, रोहन मुस्तफ़ा ने 146 और आपके अयान खान ने 138 के तकरीबन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, तो इसी तरीके का स्ट्राइक रेट चाहिए था अगर ऊपर के बल्लेबाजों का तो बेहतर होता, तो आपको अच्छे रन दिख जाते। लेकिन जो डबल स्ट्राइक हुआ था बात जरूर करेंगे हम बॉलर की, और उस ओवर में उसके बाद पूरा मैच पलट गया, फिर वो पटरी पे नहीं आ पाई ये स्कोर। और आशिक खान ने कहा भी था कि हम 150 के अंदर रेस्ट्रिक करना चाहेंगे सामने वाली टीम को, और उन्होंने कर भी दिया। बिल्कुल, मोहम्मद वसीम और रिजवान ने दोनों ने मिलकर 76 बॉलें खेली हैं और रन बना है 81, बस यही कहानी कहीं कहीं बयां कर देती है। आप खुद देख सकते हैं कि ये कहानी बयां कर देती है, 76 बॉलें दोनों ने साथ खेली और दोनों ने मिलकर रन बनाए सिर्फ और सिर्फ 81 रन, यही वो पार्टनरशिप रही है जो स्कोरिंग के लिहाज से तो दो टॉप स्कोरर हैं UAE के लिए, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा बॉलें ले ली और इसका क्रेडिट अब चलते हैं एंड बॉलिंग को भी डेफिनेटली जरूर जाता है। बहुत टाइट बॉलिंग रखी गई और जो हम डबल स्ट्राइक की बात कर रहे थे कि एक वक्त में 90 पे एक विकेट था UAE और वहां पर राशिद खान आए, उन्होंने लगातार 2 बॉलों में 2 विकेट लेकर
पूरी तरह से एक तरह से कमर तोड़ दी यहाँ पर यूएई की। बिल्कुल सही, और बहुत जबरदस्त वो ओवर ही टर्निंग पॉइंट था अगर हम यूएई की बल्लेबाजी को देखेंगे, वरना अच्छा स्कोर जा रहा था, जा भी सकता था क्योंकि एक पार्टनरशिप आपको नीचे मिल गई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा, और रिजवान का रन आउट भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जो करीम जन्नत ने थ्रो फेंका सीधा एकदम रन आउट कवर की तरफ उन्होंने मारा, लेकिन वो भी रन आउट हो गए। लेकिन बॉलिंग की बात करें, बहुत बेहतरीन बेहतरीन बॉलिंग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान का जो एक टेस्ट नेशन है और आपके सामने एक एसोसिएट नेशन है, क्योंकि ये उस तरीके से है मामला, यहाँ पर ये नहीं है कि आप कितना अच्छा क्रिकेट, वो सामने वाली की टीम है, उन्होंने टैकल तो अच्छा किया है ये जरूर है। 142 रन देख के नहीं लग रहा था कि कहीं से भी स्ट्रगल पैदा हो पा रहा है। हम अगर बात करें यूएई के बल्लेबाज बहुत अच्छी तरह सिंगल वगैरह ले रहे थे, लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा हो रही थी डॉट्स की, क्योंकि कुछ अच्छी बॉलें थी, कुछ खराब बॉलें भी थी, उसको भी रोका गया है यूएई के बल्लेबाजों द्वारा। पर पर्टिकुलर नवीन उलहक ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, राशिद खान ने डबल स्ट्राइक किया, वो बहुत बेहतरीन था, वो तो पूरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद आखिरी के ओवरों में भी इतने रन नहीं बने डेथ फेस की अगर बात करें, फैजल फारूक की भी आखिरी में आए, उन्होंने भी एक रन आउट किया। बिल्कुल, अब यही सबसे बड़ी बात है बॉलिंग की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए उतनी इफेक्टिव नहीं रही यार। आप देखेंगे फैजल फारूक ने 4 ओवर का स्पेल डाला, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, 32 रन उन्होंने दिए 8 रनेट के इकोनॉमी से। उसके बाद मैं बात करूं उमर जई को सिर्फ 1 विकेट मिला, वहीं पर मुजीबुर रहमान को कोई विकेट यहां पर नहीं मिला, उन्होंने भी 6 से ऊपर के इकोनॉमी के साथ बॉलिंग यहां पर। नवीन उलहक को कोई विकेट नहीं मिला, 4 ओवर में 27 रन उन्होंने दिए। राशिद खान को 2 विकेट जरूर मिले, लेकिन थोड़े से वो भी 34 रन करीब करीब उन्होंने दे दिए। अब आप अगर बात करूं करीम जाधव, उनको भी विकेट नहीं मिला, तो विकेट्स यहां पर नहीं मिल पाए बॉलर्स को। आपने टाइट जरूर रखा, लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि मैच आप जीते, आपने बहुत टाइट रखा, रन नहीं दिए, ये भी बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है टेस्ट में। लेकिन आपको ये देखना है कि आप अफगानिस्तान है, आप उस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं जिनके खिलाफ आपका डोमिनेंस रहा है अब तक, और डेफिनेटली आप ऑलरेडी एक फुल मेंबर है T20 में, आप काफी बेहतर कर रहे थे काफी वक्त से, तो अफगानिस्तान से एक्सपेक्टेशन था। अगर मैं अफगानिस्तान के प्रोस्पेक्टिव से देखूं कि आप पूरी तरह से यूएई को धराशायी कर देते यहां पर, कि उनके ज्यादा से ज्यादा विकेट गिरते और इससे भी कम स्कोर में रुकते, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। तो यहां पर थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट को अफगानिस्तान के सेटबैक जरूर यहां पर देखने को मिला है। एंड चेज कितनी आसानी से हुआ, नहीं बिल्कुल, चेस की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत हुई, जी हाँ, 10 ओवर की बात करें 70 for 3 बहुत बेहतरीन रन्स यहाँ बोर्ड पे लगा दिए थे, लेकिन 3 विकेटें भी यहाँ पर गिर गई। और उसके बाद के फेस को अगर हम देखेंगे 76 रन गिरे बनाए टीम ने और 2 विकेट सिर्फ गिरे, बहुत तेजी के साथ खेला, कुछ ज्यादा यहाँ दिक्कत नजर नहीं आई। अगर हम बात करें शुरुआत में थोड़ी दिक्कत जरूर आई, शुरुआत में 30-40 पे 3 विकेट गिर गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, शुरुआत में जरूर बात जरूर करेंगे विकेटों की और थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद एक प्लेयर आए जिनकी एक दो प्लेयर आए माफ कीजिएगा जिन्होंने कोई दिक्कत पैदा होने नहीं। जी हाँ, नेक्स्ट फेस में 76 रन 2 विकेट और यहाँ पर आसानी से इस मैच को जीत लिया। अगर आप फेस बाय फेस देखेंगे तो पहले फेस में यूएई ने 58 मारे थे और यहाँ पर अफगानिस्तान ने मारे 70, 12 रन की यहाँ लीड है। उसके बाद यूएई ने सेकंड फेस में 84 मारे थे, यहाँ 76, यानी करीब करीब 8 रन का डिफरेंस है, 8 रन यूएई ज्यादा थे, लेकिन फिर भी 4 रन यहाँ पर अफगानिस्तान के ज्यादा होते हैं, तो उस लिहाज से अफगानिस्तान इस मैच को जीतता है। अब यहाँ बैटिंग की बात करते हैं, एंड अर्ली स्ट्राइक्स यहाँ पर दिलाने में जरूर जुनैद सिद्दीकी कामयाब है, जब उन्होंने 2 विकेट शुरू में निकाल लिया अपने पहले ही स्पेल में, लेकिन उसके बाद एक स्टेबिलिटी यहां पर नजर आई। गुरबाज की बात करें वो भी जल्दी आउट हो गए, जादरान की बात करें, हजरतुल्लाह जज़ई भी बहुत जल्दी आउट होकर चले गए। जी हां, उसके बाद की जो पार्टनरशिप रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और यूएई की बॉलिंग डिपार्टमेंट? नहीं जरूर, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन पार्टनरशिप इस मैच में पकड़ नहीं, यहीं पर वो दिक्कत थी जहां पर मैच को पकड़ में बनाना चाहिए था, एक आध विकेट यहां पर गिरानी चाहिए थी, थोड़ा सा और यहां पर विकेट टेकिंग डिलीवरीज होनी चाहिए थी, लेकिन सब कुछ ट्राई किया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया रिजवान ने, उसके बावजूद भी यहाँ विकेट मिला नहीं है। जबरदस्त पार्टनरशिप हुई है, अगर इन दो पार्टनरशिपों की बात करें पूरा क्रेडिट नहीं जाएगा इन दो बैट्समैन को, नाम है उनके अफजल जज़ई और करीम जन्नत, जिन्होंने बेहतरीन हाफ सेंचुरी बनाई करीम जन्नत ने, फुल क्रेडिट जाएगा यूएई के पास, सारे ऑप्शन उन्होंने तराशे, सबको लेके आए, लेकिन कोई भी फायदा होता हुआ यहाँ पर दिखा नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर कहना होगा कि अफजल जज़ई की जो इनिंग है वो एंकरिंग वाली इनिंग ज्यादा रही है, क्योंकि वो एक छोर संभाल के आ रहे थे और वहां पर फिर करीम जन्नत आया, उन्होंने भी ताबड़तोड़ यूएई के प्लेयर्स पे स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और एट द एंड धीरे धीरे जो रन रेट है उसे इतना गिरा दिया कि एट द एंड लास्ट ओवर में जाकर सिर्फ फॉर्मेलिटी भर ये मैच रह गया। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर मैं बात करूँ, कौन से वो बॉलर है जिनको आपको लगता है कि इनको कम से कम इस मैच में स्टेप अप करना चाहिए था, खास करके तब जब ऑलरेडी जुनैद सिद्दीकी अच्छी स्टार्ट यूएई को दिला चुके थे? नहीं जरूर, देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि बॉलिंग की तरफ से इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हुआ नहीं है, थोड़ा सा जो एक सबकी तरफ से
मदद होनी चाहिए थी। यहाँ कितने बॉलर्स अगर आप देखेंगे, 7 तकरीबन बॉलर ट्राई किए गए, 7-8 बॉलर ट्राई, 8 बिल्कुल बताइए, 8 बॉलर ट्राई किए गए और स्पिनर्स थोड़े से अफेक्टिव नहीं हुए, ये जरूर है। स्पिनर्स थोड़े से अफेक्टिव रहते तो बेहतर होता, यहाँ विकेट में निकालते, तो स्पिनर्स लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर। इस मैच की अगर हम बात करें, जैसे राशिद खान ने देखिए वहाँ पर स्ट्राइक किया आकर मिडिल फेस में स्पिनर्स ने आकर, तो एक जरूर होना चाहिए था। पेसर्स ने अपना काम शुरू में किया था जब विकेट से थोड़ी मदद मिल रही थी वहाँ पर, और पेसर्स ने विकेट निकाले हैं, लेकिन थोड़ा स्पिनर का भी यहाँ पर रोल होना चाहिए था। स्पिनर से मात खाया है अगर यूएई मिड फेस में, अगर थोड़ा स्पिनर्स अपने आप को बगल अप कर पाते और विकेट निकाल पाते तो बेहतर। बिल्कुल, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वासिल हमीद से कुछ ओवर कराया जा सकते थे, सिर्फ एक बॉल उनसे डलवाई लास्ट ओवर में जब वो आए थे। वासिल हमीद से अगर एक दो ओवर आप कराते तो बेहतर होता, और अयान खान जो है वो विकेट टेकिंग डिलीवरीज डालने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे। उन्होंने इकोनॉमिकल जरूर रहे, लेकिन अगर आप जब चेस कर रही है टीम सामने से और आप सिर्फ इकोनॉमिकल रहते हैं तो ज़्यादा देर तक आप इकोनॉमिकल रह नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर विकेट बचा और आप तो लास्ट में जाकर अटैक कर आपसे गेम छीन ही लेंगे, और यही एग्जैक्टली यूएई के करीम जन्नत और अफजल जज़ई ने करके दिखाया। तो दोनों रिकॉर्ड जो है वो यूएई के नाम यहाँ पर जरूर है।